दिख रहा है, माइनस थ्री की पावर 10 डिवाइडेड बाई माइनस थ्री की पावर 9 ब्रैकेट 1 इंटू माइनस थ्री की पावर 2। अब आपको यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या दिख रहा है, सेम नंबर दिया, बेस सेम है, नीचे वाला नंबर सेम है, पावर्स अलग अलग हैं उससे कोई मैटर नहीं, बेस सेम होना चाहिए, नीचे वाला नंबर सेम है, अगर डिवाइड का निशान लगाए तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, क्या होंगी यानी माइनस करेंगे, अगर यहाँ मल्टीप्लाई लगा होता तो क्या करते ऐड कर दे, तो ए की वैल्यू क्या दी हुई माइनस थ्री समझ लिए, क्या दी है ए की जगह पे हमने रखा माइनस थ्री की पावर 10, ए को एक बार लिखेंगे एम माइनस एन यानी पावर माइनस कर देंगे 10 माइनस 9 तो ये हो जाएगा 10 में से 9 गया 1 बचा। अब आगे हम देखें तो इंटू माइनस थ्री की पावर 2 लगा था तो हम लिखते हैं माइनस थ्री की पावर 2, ठीक। अब देखिए ए की ए जो है ये है, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई लगा है ना, क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या है ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, अगर ऐसा है ए की पावर एम ये है, ए की पावर एन ये है, तो ए की पावर एम प्लस एन, मल्टीप्लाई वाला प्लस बन जाता है, डिवाइड वाला माइनस बन जाता है, ओके। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस थ्री एक बार लिखा हमने, 1 प्लस एम की वैल्यू 1 हो गई, एन की वैल्यू 2, तो माइनस थ्री की पावर 3। अब इसका आंसर अगर लिखेंगे माइनस थ्री को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिए, 3 3 9 3 27 माइनस में आएगा, क्योंकि 3 नंबर होंगे या पावर आउट पावर होगी तो आंसर माइनस में आएगा, ऐसे समझ लिए, ठीक है। हाँ।